मेरा नाम अश्विनी जैन है और मैं जैन हेरिटेज फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। इंडिया से किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है विमल शाह और मैं मुंबई से हूँ। इनकी फैमिलीज वालों की तरफ से तो इनको बहुत डर था, सब मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनकी हिम्मत बढ़ाई। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा मैंने इनको सबसे बड़ा एक जो रीज़न बताया, अगर किसी की मौत लिखी है तो कोई रोक सकता है? तो हम जाते हैं, और ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक शॉप से हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदा, पैसे दिया, वापस आए हमारी गाड़ी में बैठने, तो उतना में उसे पता चला ये इंडियन है। पहले पता नहीं था तो पैसे ले लिए, तो वहाँ से लड़का दौड़ के हमारे पास आया और हमें पैसे वापस किए कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। बहुत हमने कहा कि नहीं इतने रख लो, उसमें क्या है, लेकिन वो बोला नहीं आपसे पैसा नहीं लेंगे। जो ये सिविलाइजेशन है, ये जो हिंदू वर्ड आया है, ये कहाँ से आया? ये सिंधु रिवर से आया है, सुना है आपने। और हिंदू कोई मज़हब नहीं है, ये हिंदू सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन के अंदर रहने वाले वो हिंदू कहलाते थे। अभी आप मुसलमान हो तो आप अपने आप को मुस्लिम रिलीजन कह के अपने आप को छोटा कर दिया आपने। लाहौर में अनारकली चौक में जो मंदिर है हमारा, वो मैंने पहले की कंडीशन भी देखी है कि जब गिर गया था, और अभी रिस्टोरेशन हुआ लास्ट ईयर, उसका इनॉग्रेशन हुआ ये अभी, और अभी देखकर भी आए हम, ये कंडीशन भी देखी है। अभी दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो मंदिर की तरह नहीं है अभी इस वक्त। उसमें चारों ओर दीवार है और ऊपर शिखर है, मंदिर में अंदर जाने का दरवाज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे है विमल शाह और मैं मुंबई से हूँ। विमल शाह फ्रॉम मुंबई, कितने दिन हुए पाकिस्तान में आए? हम 21st ऑफ दिस मंथ को आए थे, वाघा बॉर्डर से क्रॉस कर आए थे, और तो 10 दिन तो हो गए हमें यहाँ पर। ठीक हो गया। हाँ। बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है सर, आपसे पूछने के लिए भी और आपसे पूछने के लिए भी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अगर सकाफत की बात करें, अगर यहाँ के लोगों के रहन सहन की बात करें, यहाँ के लोगों के कल्चर की बात करें, और इंडिया में जो इस टाइम कल्चर चल रहा है, क्या डिफरेंस क्या है? इंडिया और पाकिस्तान का मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क कल्चर का नहीं समझता हूँ। हाँ, बस यहाँ थोड़ा सा क्या है, लोग ज़्यादा खुश दिल हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लाउड हैं, जैसे मालिश वाला घूम रहा है, मेरा भी उसको देख के मेरा भी मन डोल गया। तो आपकी मालिश करवाते हैं? तो ये चीज़ हमारे को इंडिया में, दिल्ली में नहीं मिलती है ये सब चीज़ें। और जिस तरह से हम बैठे हैं अभी जूस कॉर्नर पे, इस तरह से मतलब माहौल कम मिलता है, एंड इट इज़ वेरी फ्रेंडली। बहुत ही मतलब एक मन करता है कि यार ऐसे लोगों में बैठें, गपशप मारें और इंजॉय करें सर। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने तारीफ की कि भाई यहाँ के लोगों का थोड़ा कुछ बेहतर है और बड़ा घुल मिल के रहते हैं, क्या आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको कहा गया हो कि भाई यहाँ पे अगर आए तो तारीफ करनी है पाकिस्तान की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा कभी नहीं है। जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, जो फील होगी, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको झूठ को कब तक चलाते रहोगे। ये तो है, मतलब ज़्यादा देर आप सोशल मीडिया की वजह से, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई झूठी खबर चलाता हूँ, कोई झूठी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो मैं चलाऊँगा, 10 लोग ऐसे होंगे जो उसको काउंटर करेंगे और रियलिटी को सामने लेकर आएंगे। सर मुझे ये बताएं, डेवलपमेंट की बहुत बात सुनते हैं, अगर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कि वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट का कोई ना कोई जो सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, हम देखते हैं, उसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। मुझे ये बताएं, वहाँ पर डेवलपमेंट जो हो रही है और जो आपने लाहौर में डेवलपमेंट देखी, क्या डिफरेंस है? देखिए शुएब भाई, मैं आपकी यूट्यूब चैनल को मोर देन 2 ईयर्स से लगभग फॉलो कर रहा हूँ, और आपके सारे वीडियोस देखे मैंने, लगभग कोई छूटे नहीं होंगे। ठीक है। और उसमें डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें होती है, आप ये टॉपिक पर भी बहुत फोकस करते हैं। लाहौर एंशियंट सिटी है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी है, हमें पुराना टाइप का सिटी भी देखने मिलता है, डेवलप जो न्यू टाइप का है वैसा भी देखने मिलता है। हमारे यहाँ भी सिटीज़ इस तरह के ही हैं सारे, और कंपेयर करें तो हाँ। मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ ना सर, देखें मैं कभी इंडिया नहीं गया, आप इंडिया सारी ज़िंदगी रहे हैं, हम वहाँ पे आए दिन खबर सुनते हैं, आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आज ये वाला पुल जो सा है, ब्रिज है, वो पीएम मोदी ने लॉन्च किया, या इस तरीके से उनकी उसके इनॉग्रेशन की, कभी हम कोई रेलवे सिस्टम के आज जी उसमें इंडिया में बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग्स नो डाउट जो हैं वो हैं,
डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जी, वो हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट करना बाकी है, काम होने वाला बाकी है। अभी भी रोड पर हम 70 cc की बाइक्स देख रहे हैं, 100 cc की बाइक्स देख रहे हैं, राइट। तो वैसे खड़ी भी है हमारे, हाँ जी हाँ जी, तो वैसी बाइक्स अभी वहाँ पर देखने भी नहीं मिलती है। यस, मेट्रो ट्रेन्स के हवाले से हमारे यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। जो हमारी मेट्रो बस है उसका विजिट किया? नहीं, अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है हमें। यस, अगर आप कहेंगे तो हम आपको उसका विजिट करवाएंगे। लेकिन मुंबई में रेलवे का जो नेटवर्क है, लोकल ट्रेन्स का जो नेटवर्क है, आपने कभी वीडियो में देखा भी होगा, राइट। लैक्स ऑफ पीपल ट्रैवल एवरी डे, दे गो फ्रॉम होम टू ऑफिस इन दैट ट्रेन। अच्छा, आपने बोला कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र वाली बात है कि आप जैसे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, इंडिया में बैठ के आपको क्या फील होता है कि ये वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं, इसका कोई पता नहीं फ़ायदा है या नहीं है, जस्ट व्यूअरशिप के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आए हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए इसका फ़ायदा नज़र आएगा आने वाले टाइम? डेफिनेटली यस। आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें एक मैसेज होता है, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी सोच लोगों की ठीक नहीं है, तो आप उन्हें डेफिनेटली हर टाइम गाइड करते हैं कि आप इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च करिए, आपका रिसर्च करिए, बाद में अपना ओपिनियन बनाएं। आपकी तरफ सर आते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अगर बात करें, आपने ये बोला तकरीबन 1980 से आपने जब पहले बात हो रही थी, 1981 से आप पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, 1981 में पाकिस्तान कैसा था या लाहौर कैसा था, आज का लाहौर, आज का पाकिस्तान कैसा है? आज का 1981 का जो लाहौर था ना, वो बहुत यंग था। क्या खुशदिली, क्या पानी, क्या हवा, क्या फूल, क्या लोगों की एक चेहरे का नूरी अलग था। अभी जो है थोड़ा बुझा बुझा, जैसे बूढ़ा हो गया हो लाहौर वैसा, और बूढ़ा हो गया। हाँ, पहनावा और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लोगों की शौक मौज मस्ती में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी गर्दा मोबाइल, मतलब इतना ट्रैफिक और इतना पॉल्यूशन हो गया है कि वो जो लाहौर का जो असल मज़ा था ना, हाँ वो मज़ा अब जरा मुझे। हमारे पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है जहाँ पे जौन सा धुआं हो, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, वो जौन सा डेवलपमेंट की निशानी होती है। देखिए, सबका अपना अपना चश्मा है। हाँ। मैं किसी के चश्मे को बदल नहीं सकता। जो मुझे लग रहा है मैं अपने नज़र से भाई आपको बता रहा हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो मैं सर से इनसे भी करूँगा कि इंडिया के लोग ये कहते हैं अगर हम पाकिस्तान विजिट करते हैं कोई गारंटी है कि वापस बच के जाएंगे, यानी कि जो मीडिया में दिखाया जाता है, माहौल दिखाया जाता है, जिस तरीके से आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई सेफ नहीं है, ऐसा कुछ बताया जाता है। मुझे बताएं आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हैं एज ए इंडियन, यहाँ लाहौर की अनारकली बहुत बड़ी मार्केट में बैठे हैं, क्या फील कर रहे हैं? जी, यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी का कोई ऐसा इश्यू लग नहीं रहा है। एज सच देखेंगे तो मैं अगर कहीं यहीं स्ट्रीट में कहीं घूम रहा हूँ तो मुझे भी लोग पाकिस्तानी समझेंगे। आप भी इंडिया कभी आएँ और हमारे साथ घूमेंगे तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि है तो एक ही हम, बिल्कुल सिर्फ बीच में लकीर खींच गई, बाकी तो एक ही है हम। ये बात छोटी सी है तो एक ही है, लकीर बीच में खींच गई, लेकिन ये जो लकीर है इसने कितने लोगों के घरों को बर्बाद किया, ये जो लकीर है इसने कितना खून बहाया, ये एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, शायद अगर उसे डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बड़ा सर आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का वीज़ा हमें ये ऐसा लगता है कि इंडिया में मुश्किल मिलता होगा, इंडिया वालों को ऐसा लगता है कि इंडिया, मतलब ये कि इंडिया पाकिस्तान का वीज़ा मुश्किल है, कैसे आपने वीज़ा मिला, वो भी आप एक लोग नहीं, तकरीबन 15 से 20 लोग आप आए हैं? जी देखिए, मैं बेसिकली जो मेरा एक मिशन था, मैं एक रिलीजियस मिशन के हिसाब से लेकर आया था कि जो हमारी पुरानी इबादत गाहें थी जो हम छोड़ गए थे, हमारे 75 साल में किसी ने कोशिश नहीं करी कि हम उसको वापस डेवलप कर सकें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी। तो मैंने उसके पीछे पड़ा रहा, अल्टीमेटली फिर जब गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई ये बंदा जान नहीं छोड़ा तो बहुत चिमड़ गया। ठीक है, तो फिर आपको वीज़ा मिला, फिर मैंने वहाँ अपने लोगों को तैयार किया कि यार चलो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो लोग क्या कहते थे, लाइक आपने ये सर को बोला और जो मजीद लोग आपके साथ आए हैं, आपने तो पहले विजिट किया, इनको बोला, उन्होंने क्या बोला आपको कि भाई पाकिस्तान नहीं जाएंगे? सब इनकी फैमिलीज वालों की तरफ से तो इनको बहुत डर था, सब मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनकी हिम्मत बढ़ाई, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा मैंने इनको सबसे बड़ा एक जो रीज़न बताया, अगर किसी की मौत लिखी है तो कोई रोक सकता है? तो हम जाते हैं, और ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन आपकी इतनी अच्छी नहीं थी,
बहुत वार्म एनवायरनमेंट था और इतना जबरदस्त मतलब माल रोड पे आपके सारी मतलब आने जाने नहीं दिया जाता, उसके बावजूद भी हम लोग आए हिम्मत करके, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मंदिर की जो कंडीशन है देखा आपने, कैसा फील हुआ, दुख हुआ, अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम जहाँ तक सवाल है मंदिर और ये सारी चीज़ों का, हम लोग तो ऑलमोस्ट 99% सारे जो हमारी आवाम है वो भूल चुकी है, बट मेरे जैसे लोग जो हैं मैं वापस उन चीज़ों को अब थोड़ा थोड़ा रिवाइव करने में लगा रहता हूँ। भूल चुकी है पाकिस्तान के अंदर मंदिरों को भूल चुकी है या ओवरऑल मंदिर को भूल चुकी है? ओवरऑल भी मंदिरों को भूल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक कोशिश करेंगे तो वापस सारी चीज़ें जिंदा हो जाएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसी बात है और कोशिश करनी चाहिए हमेशा, कोई भी काम है अगर उसके लिए आप कोई एक स्टेप लेंगे तो ही कुछ वो काम कंप्लीट होने की उम्मीद होगी। मंदिर देखे आपने, जैसे आप बता रहे थे आप गुजरांवाला गए, आपने लाहौर में और कुछ मतलब मुख्तलिफ एरियाज के जो मंदिर हैं विजिट किए, किस कंडीशन में थे? ईमानदारी से बताइएगा। देखें मेरी कोशिश होती है कि जो सच है वो सामने लाया जाए। राइट, लाहौर में अनारकली चौक में जो मंदिर है हमारा, वो मैंने पहले की कंडीशन भी देखी है कि जब गिर गया था, और अभी रिस्टोरेशन हुआ लास्ट ईयर, उसका इनॉग्रेशन हुआ ये अभी, और अभी देखकर भी आए हम, ये कंडीशन भी देखी है। अभी दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो मंदिर की तरह नहीं है अभी इस वक्त। उसमें चारों ओर दीवार है और ऊपर शिखर है, मंदिर में अंदर जाने का दरवाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पहले कभी मंदिर था तो अभी एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर एक खड़ा हो गया है, लेकिन वो मंदिर के तौर पर नहीं है। प्लस सेकेंडली एक हर एक का एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से वो मंदिर बिल्ड किया जाता है, तो अभी जो है वो हमारे तरीके से नहीं है, लेकिन एक मंदिर का स्ट्रक्चर वहाँ पर है तो ठीक है, उसकी याद कायम रहेगी कि ये मंदिर था और आज भी है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि क्या वजह है कि सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया गया, सिर्फ दिखाने के लिए क्यों बनाया गया, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस मंदिर के अलावा जो आपने मंदिर विजिट किया वो किस कंडीशन में? राइट, इसके अलावा हम गुजरांवाला गए थे, गुजरांवाला में आत्माराम जी की समाधि मंदिर है, वो मंदिर की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है। हमें इतना हमें थैंकफुल रहना चाहिए कि यस मंदिर बचा हुआ है, स्ट्रक्चर है अभी भी वहाँ पर, उतनी अच्छी हालत नहीं है लेकिन उसे करेंगे हम अभी धीरे धीरे। हमारी ये फर्स्ट विजिट है, धीरे धीरे आई एम श्योर पाकिस्तान के इदारे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसको रिस्टोरेशन करेंगे, हम भी थोड़ा उसमें हमारा तरफ से योगदान देंगे। यस ठीक है, कॉमन पब्लिक की बात करें, आम पाकिस्तानियों की या आम इंडियंस की बात करें, सोच में ज़ाहरी बात है लाइक मेरे से आपकी बात हुई, आप जहां होटल में ठहरे हैं वहां के लोगों से आपकी बात हुई, या जहां पे भी आप खाने पीने के लिए जाते हैं बात होती है, सोच में क्या फ़र्क है? मतलब अगर इंडिया इतना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हम लोग उस तरीके से नहीं जा पा रहे, क्या वजह है? सोच में फ़र्क है, पॉलिटिशियंस में फ़र्क है, या विजन में फ़र्क है? आई बिलीव कि लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए एंड दैट हैज़ टू बी एट द टॉप लेवल, और वहीं से वो जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी तो बाद में वो हर जगह वो सोच फैलेगी। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि जो इंडियंस ये समझते हैं कि मतलब अगर पाकिस्तान में जाएंगे कैसी सिचुएशन रहेगी, किसी को पता चलेगा कि ये इंडियंस हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, मैं आपको कोशिश करता हूँ अभी लाइव कोई ना कोई एग्जांपल दूँ, और मैं अभी किसी से बात करूँगा कि इंडिया से मेहमान आए हैं, रैंडमली किसी से भी बात करूँगा और उनका रिएक्शन देखेंगे। कैमरामैन आइए मेरे साथ, सर हमें एक मिनट का बस जरा मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो दो भाई बैठे हैं, सर बैठे हैं, ये इंडिया से मेहमान आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? मतलब लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम इनको वेलकम करते हैं और हम इनको ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और ये विजिट होने चाहिए, पाकिस्तानियों को भी इंडिया जाना चाहिए। जिस तरह इंडिया के लोग यहाँ आते हैं, हम खुले दिल से उनको कबूल करते हैं, ये हमारे भाइयों की तरह हैं, हम चाहते हैं कि ये आपस में मिलें और ये जो नफ़रतें हैं ये ख़त्म हो, और दरमियान में जो दीवारें हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं। ये देखें, ये अब आम पब्लिक ने यही बोला है कि मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन सर ये बताएं मोहब्बत, मैं डेफिनेटली ये एक से पूछा, मैं इधर 10 से पूछूंगा, ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोग यही कहेंगे मोहब्बत चाहते हैं और वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन फिर भी रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो? बस असल में ये पॉलिटिक्स जो है, हमारी जो सियासत है, ये लोगों को मिलने नहीं दे रही। अब देखें क्रिकेट जो है एक पीसफुल गेम है, हम ये चाहते हैं उसमें भी सियासत नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया को आपस में खेलना भी चाहिए और आपस में मिलना भी चाहिए, हम नेबर्स या नेबर्स चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हमें अपने रिलेशनशिप बेहतर करने चाहिए।
बहुत अच्छा लगा बात करके। ऐसी सोच अगर हर पाकिस्तानी की होगी तो डेफिनेटली रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर होंगे। सर आपने गुफ्तगू शायद सुनी या नहीं सुनी, सुनी आपने? ठीक है, बात नहीं। वो ये कह रहे थे हम वार्म वेलकम करते हैं आपको, वो ये कह रहे थे कि ऐसे अगर लोग इंडिया से आएंगे, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो रिलेशन ऐसे ही बेहतर होंगे। मतलब आम पब्लिक तो मोहब्बत करती है, नफरत नहीं है। हमारा मैं कल का एक्सपीरियंस कहूँ आपको, कल हम पपना खा गए थे। अच्छा। तो एक शॉप से हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदा, पैसे दिया, वापस आए हमारी गाड़ी में बैठने, तो उतना में उसे पता चला ये इंडियन है। पहले पता नहीं था तो पैसे ले लिए, तो वहाँ से लड़का दौड़ के हमारे पास आया और हमें पैसे वापस किए कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। बहुत हमने कहा कि नहीं इतने रख लो, उसमें क्या है, लेकिन वो बोला नहीं आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये रहा गुड एक्सपीरियंस। सर से पूछते हैं, डेफिनेटली कोई भी जगह पे आप विजिट करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बुरी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। सर इन्होंने बताया अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस, आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नोट किया हो, कोई खुद एक्सपीरियंस किया हो कि भाई ये चीज़ पाकिस्तान में गलत है, आप हमें बेहतरी के लिए कुछ बता सकें? देखिए यहाँ जो बेहतरी का, देखिए कल्चर में थोड़ा फ़र्क आता जा रहा है, नहीं लोगों के रवैये में इस तरीके से नहीं, लोग तो वही हैं, ज़मीन भी वही है, थोड़ा सा आइडियोलॉजी में है ना चेंज आ रहा है। जो मेन जो चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो एक पहले जो हिंदू सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन रही है, उसमें थोड़ा फ़र्क आ रहा है। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को, अब डेफिनेटली इंटरनेट का दौर है, अब जितनी भी यूथ आ रही है वो मच बेटर निकलने वाली है, पाकिस्तान की भी, पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की, क्योंकि अब सच सामने आ रहा है, सच सामने आ रहा है। आप कब तक झूठ को प्रमोट करते रहोगे? सीधी बात करते हैं, आप टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द ट्रुथ। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, ट्रुथ क्या है, हिस्ट्री की अगर बात करें, 1947 के बाद की बात नहीं करते हम, क्योंकि उसमें बहुत ये जंगें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, हम पीस की मोहब्बत की कोशिश करेंगे, उससे पहले की हिस्ट्री क्या है? आपने बोला ट्रुथ को एक्सेप्ट करें, क्या ट्रुथ है? देखिए ट्रुथ मैं आपको बड़ा सिंपल उसमें समझा दूँ, जो ये सिविलाइजेशन है, ये जो हिंदू वर्ड आया है, ये कहाँ से आया? ये सिंधु रिवर से आया है, सुना है आपने। और हिंदू कोई मज़हब नहीं है, ये हिंदू सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन के अंदर रहने वाले वो हिंदू कहलाते थे। अभी आप मुसलमान हो तो आप अपने आप को मुस्लिम रिलीजन कह के अपने आप को छोटा कर दिया आपने। इसके अंदर सिख भी रहते थे, जैन भी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे, ज़ोरास्ट्रियन भी रहते थे, मतलब क्रिश्चियन भी रहते थे, सब तरह को, हर आदमी को फ्री था, वो हिंदुस्तान कहलाता था। यहाँ इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी। अभी पाकिस्तान बटने से वो जो आप खुशबू ले पाते थे अलग अलग फूलों की, वो आपको फूलों की खुशबू अब नहीं मिल पा रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासी तौर पे, थोड़ी सी बात करते हैं कि ये बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन जो मीडिया में दिखाई जाती है, और जो हकीकत अगर बात करें है भी है, IMF के पास हमें जाना पड़ता है, हमारे पास बजट के लिए उस तरीके से पैसे नहीं है, हमारी यूथ की अगर बात करें ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, क्या ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया से हेल्प, पाकिस्तान कहता है कि भाई हमें हेल्प चाहिए अपने एज ए नेबर कंट्री, तो क्या इंडिया हेल्प करेगा? डेफिनेटली हेल्प तो करेगा, लेकिन हेल्प मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, राइट? ट्रेड की सूरत, या यस, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं हम, राइट? रिलीजियस टूरिज्म शुरू कर सकते हैं, जैसे हम जैन्स का ये फर्स्ट डेलीगेशन आया है, तो आगे जा कर के और टूरिज्म को अगर बढ़ावा दें तो डेफिनेटली वीज़ा प्रोसेस ईजी अगर कर दिया जाए। जैसे एक नेहरू लियाकत पैक्ट है, तो उसमें हिंदूज एंड सिक्स ये दोनों का मेंशन है। जैन्स विजिट कर सकते हैं, हाँ जैन, ये बोलो यहाँ पर अपनी श्राइन्स को विजिट कर सकते हैं। जैन्स एंड बुद्धिज़्म ये दो का मेंशन नहीं है, तो अगर दोनों गवर्नमेंट्स ये कर ले, अगर उसमें जैन इंक्लूड कर ले, बुद्धिस्ट इंक्लूड कर लें, तो हम लोग आएंगे जाएंगे, तो इस तरह से भी बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, राइट? 1947 की बात करें, यहाँ से हम वाइंड अप करेंगे, 1947 की अगर बात करें, जैन कम्युनिटी के कितने लोग या कितनी आबादी, पॉपुलेशन पाकिस्तान में मौजूद थी, और आज कितनी मौजूद है? आज एक भी जैन नहीं है। 1947 के पहले करीब करीब 40 स्टेट्स, डिफरेंट इलाकों में जैन कम्युनिटी थी, पाकिस्तान के जो एरिया के 40 एरियाज में, पूरे पाकिस्तान के जो आपके तीन प्रोविंस हैं, सॉरी चार प्रोविंस हैं, चार में बलूचिस्तान में जैनिज्म नहीं था इतना,
बट तीन प्रोविंस के अंदर में 40 जगह ऐसी थी जहाँ मेजर जैन कम्युनिटी का बड़ा होल्ड था। तो आज आप कह रहे हैं एक फैमिली भी नहीं है, तो वो कहाँ गए आपके ख्याल में? कहाँ सारे के सारे माइग्रेट कर गए यहाँ से, सारे माइग्रेट कर गए, लेकिन जो बिल्डिंग्स है वो तो साथ में नहीं लेके जा सकते ना। हाँ चीज़ें हैं। और अगर हम इन बिल्डिंग्स का ख्याल करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे अगर इन बिल्डिंग्स की केयर करें, इससे दो चीज़ें होंगी, वो भी दोनों चीज़ें पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए होंगी। एक तो हमारा इंटर रिलीजियस जो उनसे रिलेशन है वो बेहतर होंगे, पीस का मैसेज जाएगा। सेकेंडली यहाँ पर टूरिज़म आएगी, जैन कम्यूनिटी हो, हिंदू कम्यूनिटी हो, सिख कम्यूनिटी हो, वो जब पाकिस्तान में आके अपने मजहबी मकाम को विज़िट करेंगे, उससे रेवेन्यू पाकिस्तान को ही आएगा। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें, इस टाइम आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया से आपको बहुत लोग, आप भी मेरी वीडियोस अगर देखते हैं आपको आइडिया होगा मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम? राइट, यहाँ पर इन एडिशन टू ऑल दिस मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जैनिज्म के कोर्सेज पढ़ाए जाए, हम भी सपोर्ट करेंगे उसका कोर्स मटीरियल डेवलप करने में, कोर्स का के लिए जो भी प्रोवाइड करना है वो सारा सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। और ये भी अगर पढ़ाया जाए यहाँ पर तो एक इंटर फेथ रिलीजियस हार्मनी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे इस टाइम एज ए इंडियन पाकिस्तान में मौजूद हैं और इंडिया से मोस्टली आपको लोग देखते हैं, मेरा जो चैनल है ज़्यादातर इंडिया के लोग या फिर कुछ पाकिस्तान बाकी यूके वगैरह से देखा जाता है, क्या कहें? देखिए मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ जितना हम आपस में एजुकेशन या इंटरनेट के थ्रू या रोज़ व्हाट्सएप पे बात या अलग अलग ग्रुप्स में हम जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे उतनी दूरियां दूर होती जाएंगी। मेरा भी यही बिलीव है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ें हमें ज़रूर डेफिनेटली करनी चाहिए। देखें सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई हैं और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हैं जो कि मज़ीद आने वाले टाइम में दूर होंगी। खानों में अगर बात करें, खानों की बात करें, 10 दिन आप ऑलमोस्ट यहाँ पर रहे हैं, कौन सा खाना खाया, कौन सा खाना पसंद आया, कौन सी ऐसी चीज़ खानों में आपको ऐसी लगी